हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं प्लांट लेने के लिए। तो जैसा कि मैंने अपने गार्डन में आपको दिखाया था कि मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट सूख गए हैं, तो मुझे आज कुछ प्लांट खरीदने हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने प्लांट लेने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी बेटी है, मैं तो दोपहर में सो गई थी थक करके, और अभी शाम से शाम में जाना है हमें प्लांट लेने के लिए। तो मैंने वहाँ चाय चढ़ा दिया है किचन में, और यहाँ पर मेरी बेटी जो है, मैंने ड्राइंग किया, क्या क्या इसने पेंटिंग बनाई है, मैं आपको इसके बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए, ये पहले मैंने ये बनाया है काकाशी का ये ड्राइंग। फिर उसके बाद मैंने एंग्री बर्ड का बनाया है। फिर ये भी कोई कैरेक्टर है जो मुझे गूगल पे मिली थी, नाम नहीं पता मगर। फिर ये स्पॉन्ज बॉब है। फिर ये पैट्रिक स्टार है, मतलब वो स्पॉन्ज बॉब का दोस्त है। तो अभी इतने ही बनाया है। अभी मेरे पास ये सब मैंने कैटलॉग बना लिया है पूरा। डोरेमोन का बाकी है मेरे पास, फिर इसका बाकी है, पिकाचू का बाकी है, पोपाई का बाकी है, फिर नाताली को जो भी है। अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया है बनने को, तो चाय हो रही है। और क्योंकि अभी मेरे जो साहब है वो चले गए हैं गाड़ी से कवर, तो कवर हटा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको गार्डन में पर दिखाती हूँ। और यहाँ जो हमारा बेटा है अरुल, ये थोड़ा सा आज नाराज़ है मुझसे। तो देखा आपने, साइड में हो गया है और मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मतलब मेरे प्लांट बहुत कम हो गए हैं। क्या हुआ ना कि इस बार कुछ हिबिस्कस के प्लांट भी सूख गए, जो कि बहुत पुराने थे, मतलब 7-8 साल पुराने प्लांट थे, वो भी चले गए, ख़त्म हो गए इस बार। तो इस कुछ प्लांट है, तो मुझे कुछ सीजनल प्लांट लेने हैं। मैंने आपको जो बाहर में दिखाया है, बस वहाँ पे जगह कुछ खाली है, मुझे वहीं पे प्लांट्स वगैरह जो अभी विंटर के हैं वही मुझे लगाने हैं। तो वही सब मैं लेने के लिए जाने वाली हूँ। तो वहीं पर सीजनल प्लांट में मैं कुछ गेंदा और इसके एक दो प्लांट और मैंने सोचा है लेने का, जो मैं हर साल लगाती हूँ, तो वही सब मैं लेने जा रही हूँ। तो मुझे पिछले साल तक तो मुझे ज़्यादा प्लांट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस साल बारिश की वजह से थोड़े प्लांट मुझे लेने पड़ेंगे। तो चलिए फिर चाय पी के निकलते हैं। और यहाँ पर बच्चे रेडी होकर के बैठ गए हैं पहले ही। और इस बार की वेकेशन में ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब टैग वगैरह देख रहे हैं, तो मुझे इतना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मेरे इसके पापा को पसंद है। बट थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो बस आगे तक बैठ जाएंगे। ऐसी आदत इन लोगों की है नहीं, जब इन लोगों के स्कूल शुरू होते हैं तो वैसा नहीं करते। और यहाँ पर मैं अभी अपने जूते वगैरह पहन ले रही हूँ और निकल रहे हैं। तो रेडी मैं हो चुकी हूँ मैं भी, क्योंकि अभी जल्दी जाएंगे ना, तो मतलब अभी उजाले में भी पता चलेगा वाले प्लांट तो नहीं है। नहीं तो क्या हो जाता है ना कि जब आप थोड़ा अंधेरा होने के मतलब शाम होने के बाद आप जाते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं थोड़ी सी मतलब ज़्यादा अगर अंधेरा हो गया, शाम हो गया अगर, तो कुछ प्लांट समझ में नहीं आते। तो बहुत ही कीड़े वाले प्लांट भी कभी कभी वो लोग सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड चाबी गाड़ी के अंदर ही भूल गया, गाड़ी की चाबी अंदर। तो चलिए अब हो गए, अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि उन्होंने चाबी ले ली है, तो निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए, क्या होता है ना कि जब निकलना होता है तो इतनी हड़बड़ हो जाती है ना कि कभी कुछ छूट जाता है। चाबी इनकी अक्सर छूटती नहीं है, आज अंदर ही लॉक हो गई थी। और आज अजीब सा मतलब धूप लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है जैसे ऑरेंज धूप हो रहा है, वैसा लग रहा है। और यहाँ जो है ना, मेरा बेटा थोड़ा नाराज़ चल रहा है, तो ये इसने गाड़ी में भी वो एक कोना पकड़ के बैठ गया है,
उसको किसी से बात नहीं करनी है, मतलब उसके डिमांड इतने होते हैं ना कि आप हर डिमांड तो बच्चे के पूरे कर नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नाराज़ होगा ही। तो दिन भर में कम से कम 10 बार तो वो मुझसे नाराज़ होता है, अपने पापा से भी और अपनी दीदी से भी, और थोड़ी देर के बाद फिर खुद ही आ भी जाता है, मान भी जाता है, मतलब उसकी नाराज़गी बहुत देर नहीं रहती है। तो अभी ये गाड़ी में है, थोड़ी देर बाद खुद ही बोलना और उछलना शुरू कर देगा, क्योंकि ये गाड़ी में शांति से बैठे ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं, कौन कौन से प्लांट मिलते हैं हमें, क्योंकि मैं गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक़ है, और इधर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी अपने मतलब बाकी के कामों में, और बारिश वगैरह भी इतनी गिर रही थी ना कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्लांट डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि पिछले साल मैंने डाल दिया था, पिछले साल भी पानी ऐसे ही हुई थी, बारिश बहुत ज़्यादा। तो मैं मुझे फिर बाद में फिर प्लांट कुछ परचेज करने पड़े थे, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ख़राब हो गए थे, और वैसे कम मुझे 2 साल से कम ही लेने पड़ रहे थे, ज़्यादा नहीं लेने पड़ रहे थे, क्योंकि मैं जो उसके जो प्लांट सब जो होते हैं, जैसे इस बार मैं प्लांट लूँगी ना, अब इसके प्लांट को मैं शेफ करके रखूँगी, जब मतलब प्लांट के फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे, उसके सीज़न ख़त्म होंगे, तो मैं प्लांट को ख़त्म नहीं होने दूँगी, पौधे को मरने नहीं दूँगी, मैं पौधे को बचा कर रखूँगी, तो फिर अगले साल वो बहुत अच्छे से फूल देंगे। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने नर्सरी में, जहाँ से मैं रेगुलर लेती हूँ प्लांट वगैरह, तो आ गई हूँ। तो चलिए अब आप लोग भी देखिए कि क्या 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 है और क्या क्या मिल रहा है मुझे। चलिए फ्रेंड, तब तक मैं प्लांट लेती हूँ और आप लोग भी देखिए, और इसी के साथ साथ आप लोग अगर अभी तक मेरे वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करके मेरा सपोर्ट कीजिए, और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, आपको हो सकता है कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज आप लोगों को मिले, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए पूरे वीडियो में आप लोग कंटिन्यू कीजिए, तो देखिए कितने प्यारे प्यारे प्लांट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्लांट वगैरह जो है ना वो तो काफ़ी हैं, सेवंती वगैरह भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बट सब रेडी प्लांट है और बहुत ही महंगे, मतलब 120-150 ऐसे करके वो लोग दे रहे हैं, और रोज़ वगैरह भी है। लेकिन फ्रेंड पता है, मतलब मैंने नर्सरी में भी देखा है कि मतलब प्लांट में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह के कारण मतलब प्लांट बहुत नहीं, ऐसे क्या होता है ना कि एकदम जगथक करके उन्होंने रखा हुआ है, जैसे एक के बाद एक प्लांट, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल अगर आप प्लांट को देखें ना, तो मतलब 100 प्लांट तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ग्रो वाले हैं, बट रोज़ वगैरह बाकी सेवंती वगैरह भी बहुत ही हेल्दी हेल्दी प्लांट है, इनके पास बहुत ही प्लांट जो भी प्लांट होते हैं ना काफ़ी हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, बट रोज़ वगैरह मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छे हेल्दी नहीं है, बट मुझे एक दो उसमें से लेने ही हैं। मेरे पास वैसे भी रोज़ ऑलरेडी है, लेकिन मुझे रोज़ इतने प्यारे इतने खूबसूरत, मतलब मेरा फेवरेट जो फ्लावर है ना वो रोज़ ही है, तो मैं जब भी आती हूँ ना तो एक दो प्लांट में चाहे जितने भी मेरे पास हो मैं एक दो उठा ही लेती हूँ। वैसे मैं अभी आई हूँ सीजनल के लिए, जो विंटर में जो प्लांट्स में जिसमें फ्लावर आएंगे, तो देख सकते हैं ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब फ्लावर में सब विंटर के लिए हैं, मतलब पूरे विंटर खिलेंगे, जाकर मार्च अप्रैल में जाकर ये बंद होते हैं खिलना, और रोज़ तो है वो तो सदाबहार है, वो तो सालों भर खिलते हैं। तो यहाँ पर मैं वही सब देख रही हूँ और ले भी रही हूँ प्लांट, बट बहुत महंगे महंगे प्लांट ये लोग दे रहे हैं, और प्लांट लेने का सबसे, अगर आप विंटर के लिए प्लांट ले रहे हैं ना, तो आपको ना बारिश के मौसम में अगर आप प्लांट ले लेते हैं ना तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक रोज़ लिया है, ये रोज़ भी थोड़ा मुझे बाकी सबसे हेल्दी लगा है, तो मैं प्लांट तो बारिश के टाइम पे अगर आप लेंगे तो बारिश में वो प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, फिर अगर प्लांट के अगर आप तने से अलग प्लांट बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाते हैं, लेकिन इस बार 2 साल के बारिश में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं फिर से आ गई हूँ दूसरे वाले, एक और नर्सरी है वहाँ आई हूँ देखने के लिए, बट यहाँ तो उससे भी भंगार है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जितने प्लांट आपको दिख रहे हैं वो सारे प्लांट वहाँ थे ही, जो कि ऑलरेडी हमने ले लिए हैं, इनसे ज़्यादा हेल्दी पहले वाले के पास था। तो यहाँ पे हम लोग आए थे शेवंती के लिए कि छोटे छोटे प्लांट मुझे मिले, बट यहाँ पे भी नहीं मिले मुझे, और मैं कुछ पॉट वगैरह देखने आई थी, डिजाइनर पॉट वगैरह, तो वो सब भी मुझे नहीं दिखे। यहाँ पे मुझे स्टैंड बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के, मैंने अमेज़ॉन वगैरह पे भी देखा है, और यहाँ पे तो काफ़ी महंगे हैं बट हैं, तो लेकिन मैं अभी जगह डिसाइड करूँगी तो वो स्टैंड ज़रूर लूँगी, काफ़ी समय से मेरे दिमाग में चल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं एक और पॉट वगैरह प्लांट
पॉट मतलब लेना है मुझे डिजाइनर पॉट वगैरह, तो एक जो है वहाँ पे सिरामिक के जो पॉट होते हैं ना, चीनी जिसे चीनी मिट्टी बोलते हैं, तो उसके पॉट के पूरे मतलब एक मार्केट लगती है, रोड साइड मार्केट लगती है बहुत अच्छी, तो वहाँ पे अभी तक मैंने रेट वगैरह नहीं पूछा है, तो मैं वहाँ जाऊँगी देखूँगी वहाँ पर भी। और इससे पहले मेरे हस्बैंड को जो है अपने गाड़ी की टायर में नाइट्रोजन लेना है, तो नाइट्रोजन लेने से क्या होता है कि गाड़ी में जो है ना वो गर्म होने से फटती नहीं है जल्दी, उसकी जो टायर होती है वो फटती नहीं है, तो ये जो है हमेशा अपने टायर में पूरे टाइम मतलब सालों भर नाइट्रोजन फिल करवाते हैं, क्योंकि इससे मतलब टायर जो है ना वो सेफ रहती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पंचर वगैरह भी नहीं होती है जल्दी, और मतलब गर्म जैसे हम लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे भी वो टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फटती नहीं है, जैसे होता है ना कि हम लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो कभी कभी 10-10 घंटे कंटिन्यू ड्राइविंग होती है, तो उस टाइम पर टायर एकदम से गर्म होते हैं तो मतलब फटने का डर होता है, तो वो नहीं होता है, तो ये हमेशा ये चीज़ फिल करवा के रखते हैं। अगर आप लोगों को इसकी नॉलेज ना हो तो आप लोग भी ज़रूर अपने जहाँ पे हवा वगैरह लेते हैं वहाँ पे आप लोग सेंटर पे पंचर वगैरह के सेंटर पे पूछ सकते हैं और आप लोग भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहस हो रही है क्योंकि यहाँ से पास में ही ये है मॉल है जहाँ पे इन लोगों को ना गेम जोन खुला है, तो वहाँ इन लोगों को जाना है, बट मैं लेकर जाने वाली आज नहीं हूँ इन लोगों को, बहुत परेशान करते हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे ना कुछ डिमांड इनके बने ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, और दोनों मिल जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, तो ये उछल उछल के पापा को बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से हम लोगों ने नाइट्रोजन फिल करवा लिया है, अब मैं आ गई हूँ यहाँ से वो जो जो मैंने बताया था सिरामिक वाले पॉट के पास, और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पॉट थे ना, बट क्या बोलते महंगे कि पूछिए मत, मुझे एक बार सिर्फ विजिट करना था, देखना था किस टाइप के पॉट सब, मुझे बहुत प्यारे प्यारे पॉट लगे, बट फ्रेंड बहुत महंगे बने। एक वाटरफॉल, ये वाटरफॉल के बारे में पूछ रहे हैं, 2500 का वाटरफॉल स्टैंड के साथ में, इसी ऊपर का नहीं है, इसे मैं रखूंगी जरूर, अभी ऊपर का गार्डन का कुछ काम और चलने वाला है, और मेरा जो दोनों टटल है ना उसके टैंक वगैरह पंप कौन सा रहता है कूलर का, तो वो टैंक जब बनेगा मैं उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आप लोगों के पास सेट्स हैं टटल वगैरह तो आप लोगों को भी काफ़ी आइडिया मिल सकता है इससे। और यहाँ पर ये सारे पॉट हैं इतने प्यारे प्यारे, मुझे सबसे अच्छे पानी के बॉटल लगे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी के ही है तो वो भी है, बट क्या होता है मेरे घर में मेरा बेटा इतना तोड़ फोड़ करने वाला है कि मैं बहुत सोच सोच के ही खुश हूँगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये सब व्हील चेयर्स भी बहुत काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो मैं तो आ गई हूँ अब घर, और घर पे मैं यहाँ पर मैंने प्लांट वगैरह डाल दिया है, तो देखिए कितने प्यारे प्यारे प्लांट सब हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, थोड़े बहुत ही लिए हैं, देख सकते हैं गुलाब में बहुत ज़्यादा ये नहीं, मैं फिर से दिखाऊंगी आपको कि गुलाब के पत्ते वगैरह इससे ज़्यादा हेल्दी प्लांट मेरे पास है जो पहले से मैंने रखा हुआ है, लेकिन इनके प्लांट बहुत हेल्दी नहीं हैं, बट उसके तने काफ़ी हेल्दी हेल्दी लग रहा है इसलिए मैंने लिया है, कि पत्ते क्या है वो तो गिरेंगे और नहीं आएंगे, या शेवंती वगैरह मैंने लिया है, और ये सब जो धूप में ही खिलते हैं विंटर में, तो काफ़ी छोटे छोटे प्लांट हैं, तो मैं इसे पॉट में छोटे छोटे पॉट में लगा के बाद में हैंगिंग पॉट में डाल दूँगी, तो हैंग कर दूँगी तो हैंगिंग पॉट में खूब अच्छे दिखेंगे खिलेंगे, तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। और ये फ्लावर मुझे बहुत प्यारे लगे, ये कुछ अलग नाम बोला है मुझे याद नहीं आ रहा है, और यहाँ रोज़ के देख सकते हैं आप कि सब में अंदर में लग रहा है जैसे कीड़ा जैसा कुछ लगा हुआ है, पत्ते भी काफ़ी मतलब अच्छे हेल्दी नहीं है बहुत, लेकिन तने हेल्दी थे तो मैंने सोचा कि ये शायद से कीड़े या फिर दवा के छिड़काव के कारण भी कभी 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 ज़्यादा दवा का छिड़काव होने की वजह से भी पत्ते काले पड़ जाते हैं जैसे मेरे साथ होता है, तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, इसलिए मैंने ले लिया है कि प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद से कुछ छिड़काव या कुछ कीड़े की वजह से हुई होगी, तो मेरे इतने सारे प्लांट हैं मैं तो बहुत खुश हूँ इन्हें देख देख करके, तो पूछिए मत, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये प्लांट सब, तो मैं तो बहुत ही दिल से बैठ के इन सबको फिर इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और अलग अलग पॉट में डालूँगी, तो मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और उसके साथ में मैं कुछ खाद वगैरह जो डालती हूँ वो सब भी मैं आप लोगों को, बहुत नॉलेज मुझे इस चीज़ का नहीं है, शौक़ बहुत है, बट जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ ख़त्म, आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही मेरे वीडियो को अपना प्यार दे